आज के मशरूम म्यूजिंग में हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कुटुरुआ या रुगड़ा एक सब्जी है, एक तरह का मशरूम है, और अच्छी बात यह है कि यह एक बहुत ही महंगी सब्जियों में आती है। और कुछ समय हमने लखीमपुर में बिताया है, हमारी श्रीमती जी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी, तो उस समय हम लखीमपुर में थे और इत्तेफाकन हम उस समय थे जब ये कुटुरुआ आता है। तो पहले तो हम नहीं जानते थे कि ये क्या चीज़ है, ये रेयर है, बहुत ही कम मिलती है, लेकिन इस समय जब हम मशरूम के वीडियो बनाने लगे तो उसमें रुगड़ा या कुटुरुआ का भी एक जगह जिक्र आया, तब फोटो देखी और तब हमें लगा कि ये चीज़ तो हमने खा रखी है, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ हमने देखी ही नहीं आज बल्कि खाई भी है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम सभी लोग इस वीडियो में कुटुरुआ के बारे में जानेंगे कि यह किस तरह की सब्जी है, और काफ़ी महंगी तब भी थी, करीब 100 रुपये पाव या 80 रुपये पाव हम लाए थे, ये सन 2018 या 2016 के आसपास की बात है। 2016 के आसपास हम लखीमपुर में थे, तब बारिश के समय गोल गोल सा ये रखा हुआ था, कंचे जैसा, छोटी कांच की गोली जैसा, तो हम खरीद के लाए, तो श्रीमती जी ने हमें कहा कि ये क्या गोल गोल खरीद लाए भाई, तो हमने कहा अरे लोकल नई सब्जी है, चलो खा के बना के देखते हैं, खा के देखते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट थी ये। तो आज उसी के बारे में हम बताएंगे आपको कि ये क्या चीज़ है और कहाँ मिलता है। तो आइए जानते हैं कुटुरुआ के बारे में, और इसमें जो भी जानकारी है वो कुछ हमारा अनुभव है और कुछ इंटरनेट से ली गई है। इसमें जो वीडियो है वो पूर्णतः इंटरनेट से ली गई है। तो आइए जानते हैं कुटुरुआ के बारे में, और बहुत से लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, व्यू टाइम तो अच्छा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उनका कुछ जाएगा नहीं और हमें कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। धन्यवाद। कुटुरुआ या रुगड़ा, जैसे ही मानसून आता है भारत के दक्षिण पश्चिम तट के साथ साथ इसके मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ मशरूम की खेती की जाती है। इसका स्वाद मिट्टी जैसा है और मुझे बारिश की याद दिलाता है। वे उपलब्ध होने पर मौसम से अपना नाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहली बारिश आने पर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक के वन क्षेत्रों से गरज और बिजली से भरे होते हैं। इसका इंग्लिश में नाम थंडर मशरूम होता है। दक्षिण पश्चिम तट पर वे बड़ी चट्टानों के आसपास नम मिट्टी में उगते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये साल के पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में साल बोड़ा, झारखंड में रुगड़ा और कर्नाटक के तुलुनाडु में गुड़गुड़ अलम्बे तथा लखीमपुर में कुटुरुआ के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब मशरूम जो जंगलों में उगते थे और सबसे सरल व्यंजनों में उमामी खुशबू की एक सुगंध छोड़ते हैं, केवल आदिवासियों द्वारा बेशकीमती थे। झारखंड में उन्हें शाकाहारी देसी चिकन के रूप में भी जाना जाता है। आज हालांकि उनकी प्रसिद्धि इन समुदायों से परे फैली हुई है, हालांकि इस हाइपर लोकल उत्पाद का मौसम छोटा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की यात्रा
वास्तव में एक उपयोगी बैरोमीटर है कि आप उन्हें कहां और कब पाएंगे। दक्षिण पश्चिमी तट पर मौसम पहले ही समाप्त हो चुका है। झारखंड में थंडर मशरूम आमतौर पर जून के मध्य से जुलाई तक उपलब्ध होते हैं। बरसात के मौसम में होता है लाखों का कारोबार। कुटुरुआ और धरती के फूल एक तरह का जंगली मशरूम होता है जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। हिरणों के अलावा भालू इसे बड़े चाव से खाते हैं। बारिश के दिनों में सब्जी के तौर पर इसका लाखों रुपए का कारोबार होता है। बड़े सब्जी व्यापारी जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को कुटुरुआ और धरती के फूल बीनने के लिए लगा देते हैं। उनसे सस्ते दाम पर खरीदकर बड़े बाजारों में महंगे दामों पर बेचकर लाखों का मुनाफा कमाते हैं। शुरुआती दौर में तो यह 1000 से 1200 रुपया प्रति किलो तक बिकता है, बाद में 400 रुपया प्रति किलो तक हो जाता है। कुटुरुआ एक प्रकार का मशरूम या कवक है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। कहा जाता है कि कुटुरुआ बहुत पौष्टिक होता है। मानसून के समय यह सिर्फ तराई के जंगलों में पाया जाता है। कुटुरुआ का बाकायदा व्यापार होता है। व्यापारी 300 से 500 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं। इसके चक्कर में सैकड़ों लोग कुटुरुआ एकत्रित करने का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन में 2500 रुपए तक का कुटुरुआ बीन लेता है। कहाँ मिलता है? पीलीभीत जिले के महोफ के जंगल में कटुरुआ सबसे अधिक मिलता है। आजकल मैनाकोट, मढ़ी और चोखापुरी क्षेत्र में कटुरुआ बेचने वालों की मंडी लगती है। शाहजहाँपुर, मैलानी और लखीमपुर खीरी के व्यापारी 500 रुपये प्रति किलो तक में खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी यहाँ से कटुरुआ ले जाकर बाहर की मंडियों में बेचते हैं। यूँ तो जंगल में कटुरुआ बीनने पर रोक है, लेकिन वनों से लोग तोड़ ही लेते हैं। उन्हें मुफ्त में सब्जी के लिए कुटुरुआ मिल जाता है। नीचे फोटो में आप कुटुरुआ या रुगड़ा को देख रहे हैं। दो फोटो दी गई हुई हैं, जिसमें हमने कुटुरुआ या रुगड़ा के बारे में फोटो में दिखाया है फोटो में, और अगली स्लाइड में वीडियो आएगा। तो फोटो और वीडियो हमारी इंटरनेट से ली गई हैं। Mm-hmm.
বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি আমাদের এই পাশে এক জঙ্গলে। এখানে আমরা আজকে আপনাদের দেখাবো একটি ডিফারেন্ট টাইপের ন্যাচারাল মাশরুম। এটা খুবই টেস্টি আর পাওয়া যায় খুবই কম, আর এই বর্ষাকালেই এটা বেশিরভাগ আমাদের এখানে এই জঙ্গলে এই পাওয়া যায়। দেখুন, এটা এমনভাবে জঙ্গলের মধ্যে হয় আপনারা কেউ বুঝতে পারবেন না। জাস্ট এই দেখুন, মাটির তলেই মাশরুমটা হয়। দেখুন, এটা খুঁজে বার করতে হবে মাটির ভেতর থেকে। এটা ছোট আলুর মতো দেখতে। দেখুন, এখানে দেখুন আরও দুটো আছে, তোলা হচ্ছে। আর আমাদের ঠাকুমা বাসেই তুলছেন, আমরা ঠাকুমাদেরকে দেখাবো এবার। দেখুন দেখুন মাটিটা কীভাবে উঁচু হয়ে আছে, এটা দেখে বুঝতে হবে যে এখানে মাশরুমটা আছে। দেখুন, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মাশরুমটা, আমরা তুলে ফেলেছি। দেখুন, এখানে আর একটা পেয়েছি আমরা। এভাবে আমরা মাশরুমগুলো কালেক্ট করব। কালেক্ট করার পর এটা আমরা আজকে রেসিপি দেখাবো আপনাদের কীভাবে এটাকে রান্না করে খেতে হয়। আর এটা যত মাশরুম আছে সব থেকে টেস্টফুল মাশরুম এটাই বন্ধুরা। আর এটা, হ্যাঁ, এটা এডিবল, এটা আপনারা খেতে পারেন, কোনো এটা বিষাক্ত কিছু নয়। এটা খুবই টেস্টি এবং হেলদি একটি মাশরুম। দেখুন, আমাদের ঠাকুমা খুঁজছেন মাশরুম, পেয়েছেন অনেক। দেখুন, এখানে দেখতে পেয়ে গেছেন মাশরুম কোথায় আছে। দেখুন, পেয়েও গেছে এরকম একটা, বোঝাই যাবে না কোথায় মাশরুমগুলো হয় জঙ্গলের মধ্যে। মাটির তলে হয় এটা, দেখে বুঝতে হয়, দেখে কোনো জায়গা বুঝতে পারবে না। দেখুন, মাটি খুঁচে বার করছে। এটা একটু বড় সাইজ। বেহতরিন টেস্টফুল মাশরুম হয়ে।
কিছু আমি
বন্ধুরা আমাদের মাশরুমের এই ভিডিওটিকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সি ইউ অন নেক্সট ভিডিও। हमारे सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। वीडियो सीइंग रेट तो बहुत आ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब हमारी बिटिया वसुधा सिंह आपसे कुछ कहेंगी। सभी अंकल आंटी भैया दीदी लोग कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।